कार्यक्रम की मुहिम को लेकर आज ब्यावर जिले के रायपुर ब्लॉक में मैं पहुंचा हूं। और यहां पर काफी लंबे समय से शिक्षक जो तबादलों की राह देख रहे हैं वो आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। सभी ने एक स्वर में इस अभियान का समर्थन किया है और इनका एक ही कहना है, तबादला नहीं तो वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं। इसी अभियान के दौरान मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रदेश के हर ब्लॉक के शिक्षकों ने ठान लिया है कि तबादला यदि आप नहीं करेंगे तो ये शिक्षक आपका तबादला कर देंगे, क्योंकि इनको कम से कम 22 बार तो आपके शिक्षा मंत्रियों ने झूठ बोला है। एक बार आपने स्वयं 17 अगस्त को ये कहा था कि वो जल्द संवेदनशील निर्णय करेंगे, लेकिन तबादला करना तो दूर की बात। शिक्षक दिवस के दिन तबादलों को लेकर जो एक तरह से उपवास किया गया, और बड़ा दुख का विषय है कि जो उपवास के जो भागीदार थे, जो हंस रहे थे, वो भी हमारे शिक्षक ही थे सामने बैठे। लगभग सरकार को गठित हुए 5 साल होने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपका तो कार्यकाल का 15वां वर्ष है। तबादलों की ये समस्या आज की नहीं है, यहाँ पे कई साथी लगभग दशकों से तबादलों की राह देख रहे हैं। क्या देश का संविधान इतने कम समय में बढ़ सकता है? तो आपकी ये तबादलों के लिए पॉलिसी कौन सा नया कोई बीरबल की खिचड़ी है क्या? जब माननीय शिक्षा मंत्री चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, जब भी तबादलों की बात इनसे कही गई है, इनके जो रटे रटाए शब्द हैं कि तबादलों के लिए पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जब कई बार तो आप ही शिक्षा मंत्री महोदय जी आपका बयान आता है कि पॉलिसी बन गई, डीओबी में है, कैबिनेट में है, और आप ही के मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि हम नीति बनाएंगे। लगभग यदि पिछले साल एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री महोदय ने यही बात की थी, यदि उसका रिपीट टेलीकास्ट भी कर दिया जाए तो नीति को लेकर जो स्थिति आज से 4 साल पहले 5 साल पहले थी वही स्थिति आज है। अब राजस्थान का शिक्षक जो प्रदेश के ब्लॉकों में गांव देहात दाड़ियों के अंदर सालों से सेवा दे रहा है, जो अपने आप में राज्य सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन करने का धरातल की सबसे निम्नतम सिद्धि है, चाहे आपकी जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना हो, शिक्षा विभाग के अंदर बच्चों को दूध पिलाने से लेकर यहाँ तक कि आज के टाइम में तो आपकी जो जनकल्याणकारी योजना, महंगाई राहत कैंप, मोबाइल बांटना, सब में इनको लगा रखा है, आपने चुनावों के अंदर इन शिक्षकों को लगा रखा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपने जो एक बहुत ही शानदार आपने अच्छे काम भी किए, आपने एक सुंदर भवन का निर्माण किया, आप कहते हैं कि फिर से सरकार रिपीट होगी, तो आपके भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके भी एक बात संज्ञान में होनी चाहिए कि चाहे सुंदर कितना भी बड़ा महल हो, उसकी नींव जब तक मजबूत नहीं होती, जब तक ज्यादा लंबे समय तक ये महल टिकते नहीं है, और आपकी सरकार का नींव मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक है, जो शिक्षक साथी है, जो आपके इस गुड गवर्नेंस चलाने की जो आपकी योजनाएं होती है उन योजनाओं को धरातल पे ले जाते हैं, आज ये परेशान है। और लगातार राजस्थान का ये लगभग 14वां जिला है इसमें आपके इस मुहिम, आपके खिलाफ तबादला नहीं तो वोट नहीं की मुहिम के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। अभी भी समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप इस मांग को संवेदनशील के साथ में निर्णय लीजिए और तत्काल प्रभाव से तबादलों की आस और उम्मीद देख रहे शिक्षकों को एक बार राहत दीजिए। आपकी सरकार आती है चौथी बार, अच्छी बात है, बाद में हम नीतिगत रूप से नीतियां बढ़वा लेंगे, लेकिन एक बार तो जिस प्रकार से आपने सभी विभागों के अंदर विशेष रूप से शिक्षा विभाग में ग्रेड थर्ड के साथियों को छोड़कर सभी साथियों का तबादला किया है, उस प्रकार एक बार तो तबादलों के लिए आपको तबादले खोलने चाहिए, ये हमारी मांग है। और यदि ये मांग नहीं मानी गई, चुनाव नजदीक है, शिक्षकों ने खाना है, तबादला नहीं तो वोट है नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं, तबादला नहीं तो वोट नहीं। शिक्षक एकता जिंदाबाद।